वो कैसे हो सकता है कि मेरी शुभकामना दूसरों को अनुभव हो? तो उसके लिए नॉट इवन स्लाइटेस्ट उसके प्रति नेगेटिव, मेरी मतलब मेरी अच्छी भावना है। एक होता है हम कहते हैं योग के समय मैं बहुत सकाश देती हूँ, जब जब याद आता है तो सकाश देती हूँ, तो कहेंगे गारंटेड है कि शुभ भावना है, मैं बहुत सकाश देती हूँ, बहुत उसको पूरे दिन में अगर चल रहा है शुभ अशुभ भावना, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बोल में निकलेगा, कहीं ना कहीं वो भावना में आएगा उसने ऐसा किया। अगर वो भावना में आता भी है तो इसका मतलब वो शुभ भावना नहीं रही। तो दूसरों को अनुभव साकार बाबा का कल तो वैसे मुरली रिवीजन है, नहीं तो एक बहुत अच्छा पूर्वजों का कि दादी जानकी बता रही थी कि बाबा को कुछ भी किसने कर दिया, बाबा इमीडिएटली ड्रामा और फुल स्टॉप। उस आत्मा के प्रति स्लाइटेस्ट भी ऐसी भावना नहीं होती, चेंज नहीं होते बाबा। ये है शुभ भावना। अगर हमें चेंज हो जाती है तो वो शुभ भावना नहीं हो ना। अच्छा, इम्प्रेशन बना ले, चेंज नहीं होते, इम्प्रेशन बना लिया फिर थोड़ा सा इम्प्रेशन चे वैसे बना लिया तो भी शुभ भावना नहीं। तो तब मेरी शुभ भावना शुभकामना दूसरों का अनुभव, तो उसके लिए ये वाला पुरुषार्थ क्या होगा? ड्रामा कल्याणकारी है, मतलब निमित्त कोई भी आत्मा किसी भी इवेंट के लिए बनती है, इतना डीपली इनग्रेंड हो जाए ड्रामा, ड्रामा कल्याणकारी, यही डीप संतुष्टता है। हो सकता है, वैसे इसीलिए मैंने सोचा ये संकल्प आज बार बार पूरे दिन में हम ट्राई करें, कुछ भी बात हो ड्रामा कल्याणकारी है ही, बस ये एक अंदर से इनग्रेंड करना है। उसके लिए रिपीट करें, इनग्रेंड तभी होगा ना कि नहीं ड्रामा। कभी कभी हम पूरा वर्णन कर देते हैं, ये दोष एक दो को दोषी बना देते हैं, फिर बाद में कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है, मतलब कल्याणकारी होता था उसको अकल्याण में चेंज करके फिर अब डबल कल्याण, पहले अकल्याण था फिर एक एक को दोषी बनाया और अकल्याण किया, फिर बाद में वन था और ऐड किया वन, फिर बोलते टू अब ड्रामा कल्याणकारी। तो ऐड ही ना करे, ये कर सकते डीप संतुष्टता। इसलिए ये सारे दिन में आज ट्राई करेंगे, होता है पूरे दिन में अकल्याण के दृश्य दिखाई देते हैं, होते हैं ना, होता ही है, ज्यादा ही हो जाते हैं, सोचा नहीं वैसा हो जाता है, तो कि उतनी बार कल्याणकारी, मतलब इवन पूरा करने के बाद भी नहीं, लेकिन हाँ कल्याणकारी है, गलती है, किसी की गलती है उसको रेक्टिफाई करना है, बताना है, पर अंदर में एकदम क्लियर है कि ड्रामा कल्याणकारी, तो वो जो बताने वाला जो तरीका भी होगा ना एकदम शुभ भावना वाला, पिन पॉइंट करने वाला नहीं है तुम्हारे कारण में, तो ये वाला इनग्रेन करना। फिर तो ड्रामा कल्याणकारी, उसके कारण बहुत और दूसरा नुकसान भी हो जाता है। देखो ये स्थिति है ना, ड्रामा कल्याणकारी है, ये स्थिति है, बाकी नहीं हो रहा है उसमें भी कल्याण है, ये भी तो स्थिति है। आप
क्रोध करके क्या हो जाएगा कल्याणकारी? अगर हम दूसरा ऑप्शन सोचेंगे कि नेचुरल है ना, करते जाओ फिर भी शुभ, वही बाबा कहते ना कंटिन्यूस। हाँ मतलब उसमें जो जो हम जिस तरह से उसको समझा के, अगर कोई नहीं समझ रहा है तो फिर तो हमको जो ऑप्शन देखना होगा ना। पर नुकसान में भी मैं तो पार्टी नहीं हूं ना नुकसान करने की। नहीं वो तो फिर हम बता ही रहे हैं, हमने जो करना है बाप की आज्ञा के अकॉर्डिंग। मतलब कंक्लूजन अगर उस तरीके से देखो तो क्या है, क्रोध करके वो थोड़ी कल्याण हो, वो भी नहीं है। कुछ तो कल्याण है ही ना। जब ड्रामा कल्याणकारी है तो ये तो नहीं ना चार इवेंट कल्याणकारी है, चार इवेंट अकल्याणकारी, सारा ही है ना ड्रामा कल्याणकारी, नहीं है? बस ये इनग्रेन करना है, तभी तो बाबा साइलेंट रह सकते थे। बाबा क्यों? और बाकी बेहद के वैराग वृत्ति का चल रहा है टेंशन। चलो बाबा को प्यार से भोग लगाते हैं।